तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ में 40वां पशुधन मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल सेवा कॉल सेंटर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेंटर का उद्घाटन किया, अभी सेंटर शुरू कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ में 40वां पशुधन मेले का आयोजन और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल सेवा कॉल सेंटर शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेंटर का उद्घाटन किया। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेंटर का उद्घाटन किया। महेंद्रगढ़ में 40वां पशुधन मेला देखने को मिला और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां पर शिरकत की और पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल सेवा कॉल सेंटर की शुरुआत भी की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अक्षय यादव महेंद्रगढ़ से फोनलाइन पर आ चुके हैं। अक्षय यादव, महेंद्रगढ़ में 40वां पशुधन मेला और बड़ा गिफ्ट यहां पर सीएम की तरफ से ये कि सेंटर का उद्घाटन किया है, अब पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी आसान हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, महेंद्रगढ़ के अंदर ये 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन जो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज मेले के अंदर पहुंचे थे। उन्होंने जो इलेक्ट्रिकल वाहन उसे पूरे मेले के अंदर जो निरीक्षण किया है, उसके बाद मंच से उन्होंने जो 70 जो मोबाइल वेटरनरी जो गाड़ी है उनको हरी झंडी दिखा अगर यहाँ से रवाना किया है। इससे फायदा ये होगा कि जो किसान है उसके घर पर ये गाड़ियां जाएंगी और जो पशु है उसकी जो ऑपरेशन की बात होती है, बीमारी से संबंधित कोई भी उसको अलग इलाज की सुविधा हुआ घर पर उपलब्ध होगी, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना था। और आज इस मेले के अंदर जो विभिन्न जो श्रेणी के जो करीब 50 श्रेणी के जो पशु मेले के अंदर आए हैं उनकी जो प्रदर्शनी की गई है, आसपास के इलाकों से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं। और हरियाणा रोडवेज के द्वारा जो फ्री परिवहन की व्यवस्था इस मेले के अंदर की गई है, साथ ही जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सब फ्री जो की गई है प्रशासन की तरफ से। कृषि मंत्री जेपी दलाल जो पिछले 2 दिन से यहीं पर जो ठहराव किया हुआ है, कल जो बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी विप्लव देव इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे तथा जितने भी पशुपालक है उनको जो इनाम है वो वितरित किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2 दिन के जो लक्की ड्रा है वो भी निकाले गए थे। लक्की ड्रा में वो जो किसान जो मेले के अंदर आए थे वो सभी शामिल हुए और लक्की ड्रा के माध्यम से जो बुलेट मोटरसाइकिल और स्कूटी सहित जो अन्य पुरस्कार है उनका जो वितरण किया गया आज मुख्यमंत्री के। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय यादव, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।